अस्सलाम वालेकुम, सेवन क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी हैव कवर्ड अवर टॉपिक 1977। टुडे वी विल डिस्कस अवर थ्री न्यू टॉपिक्स, दैट इज 1978, 1979 एंड 1984 टू 85। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन 1978, 1977 में क्या हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था और उन पे मर्डर केस की जो है कन्विक्शन की गई थी कि इन्होंने पॉलिटिकल मर्डर किया है, तो उस सिलसिले में उनको जेल हो गई थी। 1978 में क्या हुआ था कि जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट बन गए थे और उन्होंने मुल्क में शरिया लॉ इम्पोज कर दिया था, मतलब जितने भी इस्लामिक जो कवानीन हैं, सज़ाएँ हैं, उन सबको इम्पोज कर दिया था। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग वॉज इंट्रोड्यूस, मतलब जो सूद के बगैर बैंकिंग सिस्टम होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और बहुत सी स्वेयर पेनल्टीज जो हैं वो जो बहुत सख्त किस्म की सज़ाएं थी वो रखी गई थी जराइम के लिए। ही होप टू विन द सपोर्ट ऑफ रिलीजियस पार्टीज। ऐसा उन्होंने क्यों किया था कि जो मुल्क में ऐसी जमातें जो इस्लामी जमातें हैं, पॉलिटिकल इस्लामिक पार्टीज हैं, उनका वोट लेने के लिए उन्होंने शरिया लॉ को ज़ियाउल हक़ ने नाफिज किया था, और बहुत सारी इसमें सख्तियाँ की गई थी। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, बातचीत करने की, मतलब अपनी राय देने की, अपनी ओपिनियन देने की, तो लोग इनके अगेंस्ट भी थे। 1979 का देखते हैं, 1979 में क्या हुआ था। 1979 में इन अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो डेथ सेंटेंस वॉज कैरिड आउट। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, और रशिया जो रूस है उसने अफगानिस्तान के साथ जो है वो एक जंग छिड़ गई थी, और जो उस जंग के सिलसिले में जो बहुत सारे अफगान महाजरीन थे, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एक है, तो उसकी वजह से अफगान महाजरीन जो है वो पाकिस्तान में एंटर होना शुरू हुए। इनको रेफ्यूजीज़ कैंप में रखा गया, महाजर कैंप में रखा गया। तो जब आपके मुल्क में कोई महाजरीन वगैरह आते हैं तो उसको आपको उनको फीड करना पड़ता है, आपको उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, जगह देनी पड़ती है, जॉब्स देनी पड़ती हैं, तो पाकिस्तान को उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान ने यू एस एस से सपोर्ट ली थी, लेकिन इसमें जो है वो जो पाकिस्तान एज अ कंट्री उसने बहुत लूज़ किया था, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे थे। जो फिर इन रिटर्न फॉर दिस सपोर्ट वेस्टर्न पावर इग्नोर द ह्यूमन राइट इशूज़ इन जनरल ज़ियास गवर्नमेंट एंड ड्रॉप देयर डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। जो यूरोप है बेसिकली वो डिमांड करता है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी हो, ठीक है, जमहूरियत हो, मार्शला या फौजी हुकूमत ना हो, लेकिन यहाँ पे यूरोप को फ़ायदा हो रहा था, तो उन्होंने इस कंडीशन को ख़त्म कर दिया था कि बेशक यहाँ पे मार्शला लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो भी फ़ायदा है उनको मिल रहा है तो वो पूरा होता रहे। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाई ज़ियास पॉलिसी वर नॉट पॉपुलर अमंग द पीपल हु प्रोटेस्टेड एंड वर सप्रेस्ड। जो जिन लोगों को ज़ियाउल हक़ की इन पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान हो रहा था, वो स्वेयर पनिशमेंट मिल रही थी, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, ज़ियाउल हक़ जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, उनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप ना हो। ठीक है, डिक्टेटरशिप आती है जब फौजी हुकूमत होती है, और डेमोक्रेसी होती है जब आम लोगों को वोट दे के असेंबलीज में भेजा जाता है। द लास्ट वन इज़ 1984 टू 1985। इसमें क्या हुआ था कि 1984 में रेफरेंडम करवाया था ज़ियाउल हक़ ने इस चीज़ के लिए कि वो एज अ प्रेजिडेंट रहें या ना रहें, लेकिन उनको इस चीज़ का वोट तो मिल गया था, लेकिन लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। मार्शल लॉ को उस वक्त एंड किया गया था, सिविलियन गवर्नमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद भी, सिविलियन गवर्नमेंट के आने के बाद भी ज़ियाउल हक़ इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने जो है वो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद ख़ान जुनेजो, उनको असेंबलीज़ को डिसमिस कर दिया था। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि असेंबलीज़ को डिसमिस कर देते हैं, डिसमिस करने का मतलब होता है कि असेंबलीज़ ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं और नए लोगों को इलेक्ट किया जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमने ये तीनों टॉपिक्स आज की क्लास में कवर किए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई काम होगा तो मैं आपको पीडीएफ फाइल में भेज देती हूँ। ठीक है।